सर, एक चीज यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक ऐसा इमेज सा बना है पाकिस्तान में जैसे कि वो एंटी मुस्लिम हो। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मेरे ख्याल में उनकी गुजरात में जो कुछ हुआ उससे भी रिलेटेड है। लेकिन जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आइए मिलके जो है वो एजुकेशन पे काम करते हैं, लोगों की जॉब्स पे काम करते हैं और फूड पे, जो भी उन्होंने बात की थी कि दोनों कंट्रीज मिलके काम करें, ये बात भी की थी नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन फिर भी एक तासुर ये मिलता है, एक इम्प्रेशन ये है कि वो एंटी मुस्लिम है। तो फिर ऐसी सूरत में आपको लगता है कि उनको सूट करेगा या आपकी पार्टी को सूट करेगी ये चीज कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हों और जो एक पाकिस्तान नफरत का चूर्ण बेचा जाता है वो कहीं रुक जाएगा? देखिए, अब वो चूरन बेचे जाए, आप कुछ आप बेचे, वो आपका इंटरनल इश्यू है। पर एक बात समझ लीजिए, मैं पहले तो गुजरात के मामले में क्लियर कर दूं, उसके बाद हमारी पॉलिसी क्या है, स्टेटेड पॉलिसी को भी क्लियर कर देता हूँ जी। गुजरात में दंगा हुआ था, आमने सामने दो फिरका आपस में लड़े थे, जिसमें, और ये मैं नहीं कह रही, ये पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है, लगभग 250 के लगभग हिंदू मरे जिनकी जान गई, और लगभग 750 लोग मुसलमान हलाक हुए जिनकी जान गई वहां पर। पुलिस की गोलियों से भी हिंदू मरे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अब दंगा हुआ, आमने सामने हुआ, उसमें कुछ हिंदू मरे, कुछ मुसलमान मरे, ये तो है गुजरात की बात। जहां तक कि सरकार की पॉलिसी है, मैं चाहूंगा, आप अच्छे समझदार पत्रकारों में से हैं और खूब पढ़ने लिखने वालों में से हैं, कृपा करकर इस जो अभी टर्म है, सेकेंड टर्म मोदी जी का आया है, इसका कृपा करकर जो पहला रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट, जो इन्होंने पास किया कैबिनेट में, वो पढ़ लेना चाहिए कि देश में 5 करोड़ बच्चों के लिए वजीफा, उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस करी। पहला, सबसे पहला डिसीजन कैबिनेट का कि हम देश में 5 करोड़ बच्चों के लिए, मिनोरिटीज के बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और वो मिनोरिटीज तो जितना, जो बेनिफिट सबसे ज्यादा तो मुसलमानों को मिलता है, हम सिखों का तो, हम लोग तो वैसे ही खूब अपनी चिंता हो जाती है और बहुत कम गिनती में है। तो इसलिए ये कहना कि, और मोदी जो लगातार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जब सबका विश्वास होता है तो सबका होता है। और हमारे यहाँ एक और उदाहरण जी, हमारे यहाँ कभी ये नहीं होता कि नहीं, सरकार की ये असूलत इसलिए मिलेगी कि आप फलाने फिरके से हो, फलाने कौम से हो, या आप मुसलमान हो, या हिंदू हो, या सिख हो, ऐसा नहीं है। आज अगर देश में बिजली हर घर जा रही है, नलके की चिंता, नलके का पानी हर घर भेजने की चिंता की जा रही है, हर घर में शौचालय लगा दिए जा रहे हैं, तो वो ये सोच के नहीं पूछा जाता कि वो आरपी सिंह के घर पे लगना है या आपके घर पे लगना है, वो सबके घर पे लगता है, वो किसी कैटेगरी में नहीं है। तो एक बात समझिए, जब तरक्की होती है तो सबकी होती है, उसमें जब 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 आवाम की जेब में पैसा आता है, जब आवाम में तरक्की आती है तो सबकी आती है, वो किसी धर्म और पंथ को पूछकर नहीं आती जी। वो आपका कितना एंटरप्राइज है उस पर डिपेंड करता है। और मैं मानता हूं कि भारत के मुसलमान में खूब एंटरप्राइज है, ये जो चूरन है ये ठीक नहीं है। आप कब तक कश्मीर का चूरन बेचोगे? आपका, आप समझ लीजिए, कश्मीर हमारा हिस्सा है, रहेगा, आप कुछ भी करते रहे, पॉसिबल नहीं है। यू कैन ड्रीम ऑफ इट, आई कैन से अबाउट इट, ठीक है वो। अब अच्छा, इसको मैं भी मान रहा हूँ, हालांकि आइडियोलॉजिकली मुझसे पूछा जाए, मैं तो अखंड भारत की बात करने वाले लोगों से, कि इंडिया दिस कंप्लीट थिंग शुड बी वन, बट मुझे पता है कि ऑन ग्राउंड वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर पाकिस्तान है तो है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर, एनी हो, तो जो मैं कह रहा था कि हमारी तरफ से रास्ते खोले हैं जी, सिर्फ इतना ही करें कि आतंकवाद का माहौल कम करें, आतंकी भेजना कम करें या बंद करें बिल्कुल, और जो लोग आपके, जिसको आप नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, उनको पकड़ कर अंदर करें जी, क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ कोई, मैं आज भी पढ़ रहा था, किसी एक शख्स ने किसी एक मुसलमान के साथ कोई बदतमीजी की, मैं आज, कोई गोस्वामी नाम से है, और उसने तुरंत कार्रवाई करी, उसको अरेस्ट किया जी। मैं आज सुबह एक न्यूज आई हुई थी कि यूपी में कुछ हुआ, तो हमारे यहाँ ऐसा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए ये सोचकर चले कि हमने रिलेशनशिप बच्चे को, ये पाकिस्तान के हक में है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी तरक्की हो, लड़ाई हमारी होनी है तो रोजगार की होनी है, लड़ाई हमारी होनी है तो भूख से होनी है, लड़ाई हमारी होनी है तो इस बात की होनी कि अमन शांति कैसे हो, इस बात के लिए हम लड़े, परंतु इसलिए ना लड़े कि हम एक दूसरे को कैसे 1000 जख्म दें। ये जो पॉलिसी है गिविंग 1000 कट्स, उसको बंद करें बस।